नमस्कार दोस्तों, कॉइन डायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बगल वाला जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को 1994 के एक 5 रुपया का कॉमेमोरेटिव सिक्के की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। 1994 में RBI ने ए सिक्के इंडिया का तीनों मिंट से मिंटेज किया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। कॉपर निकल वाला ए सिक्के की वेट है 9 ग्राम और 23 मिलीमीटर सर्कुलर कॉइन। सिक्योरिटी एज वाला ए सिक्के वर्ल्ड ऑफ वर्क का है। तो दोस्तों ए सिक्के मार्केट में UNC और जेम UNC होने से अच्छा प्राइस मिलेगा आप लोगों को। तो ए सिक्के की जो प्राइस कॉइनेज किताब में दिया है उस बारे में मैं बताएगा। उसका पहले बात आप लोगों को बोल दूं, दोस्तों जेम UNC सिक्के हर टाइम सेल होता है, और यूज सिक्के, डैमेज सिक्के, अगर वो कॉपर निकल वाला होगा तो वो सिक्के भी सेल होगा, लेकिन वो सिक्के पर पीस हिसाब से सेल नहीं होगा, वो सिक्के केजी का भाव में सेल होगा। कलकत्ता बड़ा बाजार में कॉपर निकल वाला ये सिक्के की प्राइस हर दिन उठता है और घटता भी है। तो वो केजी का हिसाब में वो हेवीली यूज वाला सिक्के हो, डैमेज सिक्का हो, वो अगर कॉपर निकल होगा तो सेल हो जाएगा। और मैं जो सिक्के की इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ ये ILO सीरीज का है। ILO सीरीज का कॉमोडिटी 5 रुपया सिक्के इंडिया का तीनों मिंट से जो मिंटेज हुआ था, कॉइनेज किताब में इसको जो प्राइस दिया है मैंने वो प्राइस बता रहा हूँ आप लोगों को। बॉम्बे मिंट का प्राइस है 15 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया और 150 रुपया पर पीस कॉइन। हैदराबाद और नोएडा वाला सिक्के ये स्केयर सिक्के है, इसीलिए इसका दाम थोड़ा ज्यादा है। हैदराबाद में इनका प्राइस हुआ 15 रुपया, 25 रुपया, 75 रुपया और 200 रुपया ईच कॉइन। हैदराबाद का तारा नोएडा में इनका प्राइस सेम प्राइस है। तो दोस्तों ये जो 150 रुपया और 200 रुपया ईच कॉइन कॉइनेज किताब में जो बोला है इसका प्राइस, ये प्राइस मिलेगा सिर्फ जेम UNC कॉइन का। और जो दूसरा जो प्राइस बताया है ये फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन का जो कॉइन है उसका प्राइस बताया गया। तो दोस्तों एक साथ बात बता दूं, ये जो वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन जो बात कॉइनेज किताब में है उस प्राइस में ये सिक्के सेल नहीं होता है, क्योंकि जेम UNC सिक्के होने से कॉइनेज किताब में जो प्राइस है वही प्राइस आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आपको खुद ये सिक्के सेल करने पड़ेगा। इसीलिए फेसबुक में अपना एक तो कॉइन सेलिंग अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपका ये फेसबुक अकाउंट होगा तो आप फोटो उठा के अगर फेसबुक में पोस्ट कर दीजिएगा तो ये सिक्के जेम UNC होने से कॉइनेज किताब में जो प्राइस है वो प्राइस मिलने वाला है। अगर आप लोग कोई कॉइन डीलर या कॉइन सेलर का पास ये कॉइन सेल करने जाएगा तो सेफ जेम UNC का भाव मिलेगा, लेकिन कॉइनेज किताब में जो भाव दिया है, जो प्राइस दिया है वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत बहुत कमती दाम में आपसे कॉइन खरीदेगा और कॉइनेज किताब में जो प्राइस है उस प्राइस में या उसका मनगढ़ंत प्राइस में वो लोग सेल करेगा। तो दोस्तों ये जो बात मैंने बोला इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, जेम UNC सिक्के हर टाइम सेलेबल है। अगर यूज सिक्के होगा या डैमेज सिक्के होगा तो वो सिक्के कुछ प्राइस आप लोगों को ज़्यादा नहीं देगा, इसीलिए सिक्के कलेक्ट कीजिए लेकिन थोड़ा क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सबका मेरा नमस्कार।